तो सियासत नहीं समाधान चाहिए, पूरा मामला मणिपुर का है जहां पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर आज आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे से लौटने के बाद आज मणिपुर के हालात को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, निर्मला सीतारमन के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मणिपुर में हुई हिंसा में अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी वहां कई इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण है। तो कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक का हिस्सा बने। चिंता एक ही है कि मणिपुर में हालात किस तरीके से काबू में लाए जाएं, हल कैसे निकाला जाए। मणिपुर पर सरकार की बैठक अब खत्म हो चुकी है। पीएम आवास में ये तमाम बड़े मंत्रियों की बैठक थी। इससे पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करी और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते। देखिए, गृह मंत्री जी का और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और सेंट्रल लीडर जो है अपने सरकार का बीजेपी का, तो मणिपुर को लेके बहुत कंसर्न है। तो इसीलिए गृह मंत्री यहाँ पे 3 दिन ठहरने के बाद चला गया वापस। 3 दिन लगातार यहीं पे थे और यूनियन होम मिनिस्टर स्टेट नित्यानंद राय जी थे। तो आज का मीटिंग इतना ही था कि गृह मंत्री जी चाहते हैं कि मणिपुर में जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी आए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंजलि, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अहम बैठक बुलाई है, इससे पहले सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है, लेकिन हल कुछ निकलता हुआ जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। आज इस बैठक में क्या अहम फैसले, क्या अहम रणनीति बनाई गई, कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल, सबसे बड़ी चिंता की स्थिति यही है कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया और यही इसी वजह से कल देर रात ही प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे के बाद वतन पहुंचे हैं और उसके बाद आज सुबह ही ये मीटिंग रखी गई। तकरीबन 4 घंटे तक ये मीटिंग चली है और आखिर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में संवाद हुआ है। तमाम जो वर्तमान स्थिति है उसका जायजा, जो मौजूदा हालात है उसके बारे में अवगत कराया गया है। इसके साथ ही अभी की स्थिति में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, पेट्रोलियम या गैस से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, तो उन तमाम चीजों पर भी ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये चर्चा की गई और ये निर्देश दिए गए प्रधानमंत्री की ओर से कि किसी भी तरह की समस्या, आम जनजीवन से जुड़ी हुई जो है, आपूर्ति से जुड़ी हुई समस्याएं, वो ना हो फिलहाल मणिपुर में। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सुरक्षा को लेकर है, जिस पर गहन चर्चा हुई है। हाल ही में एक सर्वदलीय बैठक भी रखी गई थी, इन तमाम चीजों से अवगत कराया गया है। मीटिंग्स के क्या पॉइंट रहे, सर्वदलीय बैठक में क्या चीजें निकल कर आई, मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई गृह मंत्री की, उन तमाम चीजों से अवगत कराया गया है और अब देखना होगा कि कोई बड़े फैसले या बड़े कदम भी क्या इस बैठक के बाद निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से नजर जो है वो गृह मंत्रालय इस पूरी स्थिति पर बनाया हुआ है। लगातार आप देखेंगे कि विपक्ष की ओर से भी हमले हो रहे हैं, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और ऐसे में अब सरकार के लिए बेहद अहम हो जाता है कि जल्द से जल्द स्थिति जो है वो सामान्य की जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि, आप नजर बना के रखिए। Z News.